हाँ, अब रिकॉर्डिंग फिर से शुरू होगी। नेवर द कोई पॉइंट प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग दिस फॉर पी ग्रेटर देन वन बट लेस देन इनफिनिटी, एल पी स्टार इज इक्वल टू एल क्यू, वायर वन बाई पी प्लस वन बाई क्यू इज इक्वल टू वन। ओके, सो आइडिया वही है। तो आई स्टार्ट विथ समथिंग इन एल पी स्टार, सो हम कहेंगे लेट एफ बिलोंग टू एल पी स्टार। Now we know that EI runs from 1 to infinity, where EI is equal to 0, 0, 1, 0. 1 is at the ith place. So it's a shelter basis for LP. So, for every x v sequence of ELP, there exist unique scalars that we call them xk, such that x is equal to summation k runs from 1 to infinity xk ek. Therefore, f of x, jo ek bounded linear map hai, would be f of summation k runs from 1 to infinity x k e k. अब मैं वो नहीं लिखूंगा limit limit, वो तो तुम्हें पता ही है, because f is a bounded linear map. I can write it as summation k runs from 1 to infinity x k f of e k, which is equal to summation x k y k. Story वही है, थोड़ा सा changes. So, you know, we are generalizing sort of an inner product. Okay, where yk is equal to f of ek is uniquely determined f से मिलता है हमें, हम चाहते हैं कि ये हमें f से मिले by what f. Okay, इसके बाद काम हमारा वही है. So we may write, ऐसे मैं कह रहा हूँ f by fy, या डिनोट, चलो डिनोट बेटर, f by fy, सो दैट fy एट x इज इक्वल टू समेशन xk yk k रन्स डाउन टू इनफिनिटी फॉर ऑल x इक्वल टू x1 x2 बिलोंगिंग टू lp. ठीक है, तो ये है सिचुएशन. नाउ व्हाट डू आई वांट टू शो, आई वांट टू शो दैट ये जो वाई के है इट्स अ क्यूथ पावर समेबल सीक्वेंस. नाउ आई वांट टू शो दैट दिस वाई के बिलोंग्स टू समहाउ एल क्यू, मतलब इट्स अ क्यूथ पावर समेबल सीक्वेंस. उसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी है. लेट्स कॉल दिस वन स्टार. सो वी डिफाइन a sequence of sequences xn equal to xkn by xkn is equal to, I would have preferred it to write k yahan pe aur n yahan pe, chalo main wahi karta hu, lekin tumhare notes mein aap kyunki k niche aa gaya hai to chalo notes ke hisab se hi chalte hain. So, इसको मैं लिखूंगा yk के रेस्ड पावर क्यू डिवाइड बाई वाई के सिग्नम, आपको सिग्नम इंटू क्यू माइनस वन. इफ के इज लेस देन इक्वल टू एन एंड इफ वाई के इज इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑफकोर्स तब ये डिफाइंड है. और इसको मैं मानता हूं, मैं अभी इसको करूंगा ठीक, इज के अगर ग्रेटर देन एन है या फिर वाई के जीरो है. ओके, अब सिचुएशन ये है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिफाइन कर रहा हूं सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस. ओके, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस मतलब मेरा क्या है, ये है इंडेक्स ऑफ द सीक्वेंस, ये है टर्म. सपोज मेरे कहने का मतलब है x1 जो है वो होगी xk1,
इट डिपेंड्स ऑन, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है इट डिपेंड्स ऑन वाई केज, वी आर यूजिंग अवर वाई केज दैट वी ऑलरेडी हैव, ये हमें मिले कहाँ से हैं, एफ से हमें मिले वाई केज, और वाई केज से मैं निकाल रहा हूँ एक्स केज, राइट, मतलब एक्स केज आई एम डिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ वाई केज दिस एक्स एंड्स अ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है। अब पहली वाली सीक्वेंस क्या होगी, ओ मैंने गलत कर दिया, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी सीक्वेंस है, वो डिपेंड करता है वाई कैसी सीक्वेंस है, सपोज अब मेरे पास सीक्वेंस है वाई वन वाई टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, तो पहले मैं देखूंगा अगर वाई वन जीरो हुआ, ठीक है ना, ओके पहले तो ये है कि अगर के ग्रेटर देन वन है, तो इफ के इज ग्रेटर देन वन तो ये जीरो है ना, इफ के इज ग्रेटर देन एन, एन कहाँ है, ऊपर है ना, देन इट इज जीरो, इसका मतलब इसकी एक ही टर्म है उसके बाद जीरो जीरो है। अब ये टर्म कौन सी है, ऑफ कोर्स इट इज वाई वन डिवाइड रेज टू पावर के ओ होल डिवाइडेड बाय वाई के, सॉरी वाई वन, ठीक है, ये तो होगी पहली सीक्वेंस। दूसरी होगी हमारी सीक्वेंस x2, क्या होना चाहिए, अब y1 raised power q divided by y1 in mod comma y2 raised power q in mod divided by mod of y2 so on and so forth, बाकी सारे zeros। हाँ अगर कहीं पे हमें y0 लगे तो यहाँ हम जीरो लिखेंगे, क्योंकि तब हम y के से डिवाइड मत कर सकते, इसीलिए हमने कहा है अगर y के जीरो नहीं है, अगर जीरो है तो भी वहां जीरो, सपोज यहाँ पे अब इसके बाद जीरो था, हो सकता है ना किसी सीक्वेंस, हो सकता है यहाँ पे जीरो हो कोई, तो वहां पे जीरो हम लिखेंगे, लेकिन बाकी ऐसे ही चलता रहेगा। x3 क्या बनेगा, x3 होगा सपोज इसी तरह से y1 raised to power q divided by y1, इसी तरह से y2 whole raised to power q divided by mod of y2 comma y3, इसमें तीन ही टर्म्स होंगे, ठीक है, इसी तरह से इसके बाद जीरो जीरो जीरो, इस तरह से हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की जो xn है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस, जिसकी पहली सीक्वेंस है उसमें पहली टर्म है, अगर दूसरी सीक्वेंस है उसमें खाली दो पहली दो टर्म्स हैं, पहली तीन टर्म्स हैं, इस तरह से, इनफैक्ट उससे कम भी हो सकती है अगर कोई टर्म जीरो। सो अगर मैं इस पे अप्लाई करूं, ये मेरा मैपिंग, सो व्हाट इज एफ वाई ऑफ एक्स एन, एज यूजुअल सो दिस शुड बी समेशन के रन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एक्स के एन वाई के, है ना, एक्स एन हमने लिया तो क्योंकि उसके कॉम्पोनेंट्स को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई कर डॉट प्रोडक्ट से करते हैं, और इसके कॉम्पोनेंट्स हमने डिनोट किए हैं बाय एक्स के एन, सो हमें पता है लेकिन इसके एन ही कॉम्पोनेंट्स हैं, जो यहाँ एन है पहली टर्म के पहले ही, पहली सीक्वेंस का सिर्फ एक ही टर्म है, दूसरी सीक्वेंस का सिर्फ, तो अगर nth टर्म है ये सीक्वेंस की तो इसमें nth नॉन जीरो टर्म्स होंगी, सो इट शुड बी सिंपली समेशन k रन्स फ्रॉम 1 टू n, और वो टर्म्स क्या होंगी, वी ऑलरेडी नो इट्स yk raised to power q डिवाइड बाय मोड ऑफ, मोड था नहीं, मोड था नीचे, जस्ट अ मिनट, जी सर मोड था नीचे, भाई मैं सोच रहा था, नहीं मोड नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने गलती की इधर, यहाँ नीचे मोड नहीं है ना, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन में नहीं लिखा था मैंने, तो यहाँ मॉड नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि मतलब हमें ये फॉलो करना था ना, तो यहाँ पे मॉड नहीं है, ठीक है, एनीवेज तो यहाँ पे चूंकि ये फाइनाइट सम ही होगा, सो दिस वुड बी वाई के कैंसिल, सो इट इज समेशन के रन फ्रॉम वन टू एन, ये इम्पोर्टेंट है, वाई के रेज्ड पावर क्यू, ओके तो इतना करने के बाद आई हैव टू शो दैट वाई के इज एट क्यू टू पावर समेबल, आई हैव टू शो दैट इफ एन अप्रोचेस इनफिनिटी देन दिस इज स्टिल फाइनाइट, सो लेट्स डू दैट। ऑल्सो हम यूज करेंगे अब ये आइडिया, फॉर ऑल एन बिगर देन इक्वल टू वन, एफ वाई ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू, ऑफ कोर्स पहले तो ये बात है कि ये दिस इज पॉजिटिव, सो अगर मैं इस पे मॉड लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, मेरे कहने का मतलब है दिस इज द सेम थिंग, चलो मैं लिख लेता हूं, क्योंकि ये सम ऑफ द पावर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स हैं तो दे हैव टू बी पॉजिटिव, चलो मैं लिख देता हूं,
ओ मुझे शायद यहां लगाना चाहिए था, डजेंट मैटर. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ वाई इनटू नॉर्म ऑफ एक्स एन, वो अपना पीथ पावर, क्योंकि ये पीथ पावर समेबल है, ये तो एनी पावर समेबल है बिकॉज दिस इज जस्ट फाइनाइट टर्म्स है इसमें. ओके विच इज इक्वल टू नॉर्म एफ सब वाई समेशन के रन्स फ्रॉम वन टू एन, वन टू इन्फिनिटी इनफैक्ट, लेकिन वो भी तो फाइनाइट सम ही आएगा, होल रेज टू पावर ऑफ कोर्स पी, होल रेज पावर वन बाई पी, डेफिनेशन ऑफ द नॉर्म. सो विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, अब चूंकि हमें पता ही ये टर्म्स क्या है, सो इट बी समेशन के रन्स फ्रॉम वन टू एन, क्योंकि इसमें एनी टर्म्स है इस सीक्वेंस में. सो देन आई शुड हैव मॉडुलस ऑफ, क्या होना चाहिए, वाई के, क्या था अपना, रेज टू पावर क्यू, राइट, यही था, डिवाइडेड बाय वाई के, ऑफकोर्स ये तो एक्स के है, इस पे हमने लगाया है मॉड, राइट राइट, मैंने गलत तो नहीं लिखा, बिल्कुल, होल रेज पावर पी, होल रेज पावर वन बाई पी, आई होप मैंने ठीक किया. जरा क्या था ये, हाँ इट वॉज वाई के एक्स के एन है ये, इस पर हमने मॉड लगा दिया. अब मॉड लगाने से क्या होगा, तो दिस इज द सेम थिंग एज नॉर्म ऑफ एफ, क्योंकि अब मॉड जो लगा इस पे, आई कैन राइट इट एज मॉड ऑफ वाई के रेज टू पावर क्यू माइनस वन, है ना, होल रेज टू पावर पी, दिस होल थिंग रेज पावर वन बाई पी. ओके नाउ मुझे यही लिखना चाहिए था, नॉर्म ऑफ एफ दिस वुड बी समेशन के रन्स फ्रॉम वन टू एन, आई कैन राइट इट वाई के रेज टू पावर पी क्यू माइनस पी, मैंने मल्टीप्लाई किया पावर्स को जैसे करते हैं, होल रेज पावर वन बाई पी. नाउ व्हाट इज पी क्यू, नाउ हमारी जो कंडीशन है कि वो है वन बाई पी प्लस वन बाई क्यू इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, दैट मीन्स पी क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्यू. सो दिस मीन्स दैट नो, हाँ यहाँ जरा एफ वाई लिखना मैं भूल गया, एफ सब वाई, एफ सब वाई, एफ सब वाई into summation k runs from 1 to n yk raised to power q whole raised power 1 by p. You can give the reason 1 by p plus 1 by q is equal to 1. Okay, so I have got this thing. So I have got, first let me write it down, f of yx is less than equal to norm of f sub y into summation k runs from 1 to n yk raised to power q whole raised power 1 by p. Now, लेकिन ये तो हमने अलग से भी evaluate किया था ना, direct. जो हमने direct evaluate किया था वो कहाँ गया? हाँ ये, नहीं नहीं हमने जो direct evaluate किया था वो ये, this thing. ये इसके बराबर है, तो ऑफ कोर्स देन आई कैन पुट दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी मैं लिख सकता हूं, इट मींस दैट समेशन वाई के रेज टू पावर क्यू, क्यू था अरे कहा गया, वाई रेज पावर क्यू के रन्स फ्रॉम वन टू एन इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ वाई इनटू समेशन के रन्स फ्रॉम P था कि क्यों था, क्यों था, ऑफ कोर्स हाँ ठीक है, n y k रेज टू पावर q होल रेज टू पावर वन बाई p, तो हमारा काम हो गया. अब इसको यहां लाएंगे तो यू गेट समेशन, क्योंकि जो पावर के अंदर बैठा है वो सेम है, तो इट शुड बी y k रेज टू पावर q whole raised power 1 minus 1 by p is less than equal to norm of fy, and right hand side is independent of n, aur saath mein ye bhi ki 1 by p plus 1 by q is equal to 1, it means 1 minus 1 by p is 1 by q, it implies that summation k runs from 1 to n y k raised to power q whole raised power 1 by q. Now letting
एन अप्रोच इनफिनिटी, राइट हैंड साइड का एन के साथ कुछ नहीं, वी विल गेट समेशन के रन्स फ्रॉम वन टू एन, सॉरी वन टू इनफिनिटी, वाई के रेज्ड पावर क्यू होल रेज्ड पावर वन बाई क्यू इज लेस देन इक्वल टू एफ वाई, which implies y equal to y1, y2 as a sequence, will it's a q to power summable sequence, and साथ में norm yq is less than equal to norm fy. हाँ मुझे बता दो इरफान तुम वहां पे हो, can you hear me इरफान, इरफान सीआर, अरे तुम तो सब सो रहे हो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ हवा में. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर. इरफान तुम वो अटेंडेंस का देख रहे हो ना? यस सर, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. स्क्रीनशॉट भी लेना और फिर वो लिखना भी किसी पेज पे ना, इन इन दिनों की मेंटेन करूंगा. हाँ वो मेंटेन करो इन दिनों, क्योंकि ये तुम्हारा काम कर लो ये थोड़ा. ओके ये तो हो गया अपना पहला हिस्सा कि y belongs to, ये जो f से हमें मिला था, f से हमें एक y जरूर मिला और वो lq में था, और f जो है वो belong करता था lp star. यहां से हमने शुरू किया, हम यहां पहुंचे. अब रिवर्स, रिवर्स ज्यादा मुश्किल है नहीं. कन्वर्सली, जैसा कि उसमें भी रिवर्स कोई मुश्किल नहीं था, कन्वर्सली लेट y इक्वल टू y1, y2, सो ऑन एंड सो फोर्थ बिलोंग टू दिस l sub q. And we define f sub y from lp to k by f sub y at x is equal to summation xk yk, k runs from 1 to infinity, where x is equal to x1, x2, so on and so forth. देन पहले तो ये कि ये कोई बाउंडेड नंबर है कि नहीं, कि इन्फिनिटी में जाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास तरीका है ना इसको चेक करने का. अब बाय होल्डर्स इनइक्वालिटी, हमें पता है होल्डर्स इनइक्वालिटी ये कहती है दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन एक्स के होल रेज पावर पी होल रेज पावर वन बाई पी multiplied by summation yk whole raised power q, k runs from 1 to infinity, k runs from 1 to infinity, taking the 1 by q to power of the sum. Now, chunki jo x hai, wo kahan belong karta hai? Wo lp mein hai. So therefore, this is a finite thing. Aur y kahan belong karta hai? lq mein. So this is q to power sum, this is also finite. So this is finite. Furthermore, it implies that modulus of fyx is less than equal to, is less than equal to, how do I have norm x pth norm or y ka qth norm. So which implies that, what does that mean? This is true for all x belonging to LP, which implies that f sub y in norm is less than equal to norm y q. So it means there is a, given a fy belonging to lp star, I have found a, given a y belonging to here, to pehle to mujhe ye karna chahiye tha, it implies, pehle nahi likhna, ye gandi baat hai, yani mujhe pehle batana hai ki fy, it implies that fy belongs to lp star, because it is linear, because it is bounded and everything, it is continuous. Continuity to yahan se aa gaya, राइट, और लीनियरिटी तो फंक्शन से ही आ गया कि इट वुड बी अ लीनियर इफ इट इज वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड है तो लीनियर है डेफिनेटली. तो एफ सब वाई बिलोंग्स टू एलपी, सो एंड साथ में नॉर्म ऑफ एफ सब वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म वाई क्यू. सो लेट्स मेक अ डबल स्टार. तो अगर मैं फर्स्ट स्टार पे जाऊं, नॉर्म वाई क्यू इज लेस देन इक्वल टू एफ वाई, और सेकेंड स्टार है उसका रिवर्स. सो मैं यहां लिखूंगा therefore, जो कि there is one to one correspondence between LP star and LQ, that is, मतलब वो correspondence क्या है, y के regarding एक y है, such that fy at x
इज इक्वल टू समेशन एक्स के वाई के, कि ये हमारी कॉरेस्पोंडेंस है. फॉर ऑल एक्स इक्वल टू एक्स के, के रन्स फ्रॉम वन टू इंफिनिटी बिलोंगिंग टू एल पी. तो ये हमारा रिश्ता बाइजेक्शन सच दैट नॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू. अब वही करना है जो हमने इससे पहले किया. सो डिफाइन टी फ्रॉम एल क्यू टू एल पी स्टार बाय टी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ सब वाई. देन टी इज अ बाइजेक्शन, टी इज लिनियर, and of course t is an isometry, therefore it's a homeomorphism. T of y is equal to norm of f y is equal to norm y, that is Q's norm, whatever that is. Okay, maine theek likha ki galat likha? Bilkul sahi maine kya liya. T of y is equal to f of y. हाँ, f y यहाँ है LP में, fine. और y जो है बिल्कुल सही. So इसकी it's an isometry, hence मैं कह सकता हूँ जो मैं इससे पहले जो मैंने लिखा उसको repeat करना ना हो. LP star is isometrically isomorphic to LQ, or I can say LP star as a normal linear space is the same as LQ. तो ये हो गया अपना एक और रूल. ओके, लाइट आ गई वरना खत्म होने वाला था. शुक्र है एम मुके पे. ओके, तो ये तो हो गए ये डुअल्स. तो ये हो गए डुअल्स, दो हमने कर लिए. हाँ हाँ, हम और भी कर सकते हैं, कौन सा करें. नेवरदलेस आई वांट टू सी, मतलब इसका मतलब ये है तो हमें चाहिए एल पी स्टार इज इक्वल टू एल क्यू. पी इज बिगर देन वन, और वन के लिए है एल वन स्टार इज इक्वल टू इनफिनिटी, है ना. फर्दर मोर, और यहाँ कंडीशन है वन बाई पी प्लस वन बाई क्यू इज इक्वल टू वन. पी और क्यू आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन. नाउ इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर मैं लू पी हैज टू बी ग्रेटर देन वन. सपोज मैं कहूँ वट इज एल थ्री बाई टू, मेरे कहने एल थ्री बाई टू क्या होगा. बाय द वे एल थ्री बाई टू होगा ऑल सीक्वेंसेस एक्स वन एक्स टू सच दैट एक्स के आर स्केलर्स समेशन एक्स के रेज टू पावर थ्री बाई टू होल रेज पावर टू बाई थ्री. दिस थिंग इज लेस देन इंफिनिटी, या दिस इज इज लेस देन. सो ये तो व्हाट वुड बी दिस. तो अगर मैं कहूँ इसका डुअल क्या होगा, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू सी क्यों क्या होगा. तो अगर p है 3 by 2, so it is 2 by 3 plus 1 by q is equal to 1. So 1 by q is equal to 1 minus 2 by 3, that's equal to 1 by 3, यानी q is equal to 3. तो इसका डुअल है जस्ट l3. मुझे लेना है सिर्फ p को bigger than 1, जो कि मैंने लिया. तो q 3 होना चाहिए. इसी तरह से हाउ अबाउट एल टू, अगर मैं पी को लेता हूं टू, सो यू हैव वन बाई क्यू इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू, दैट्स इक्वल टू वन बाई टू. तो क्यू इज इक्वल टू, इंटरेस्टिंग है ना. एल टू का डुअल एल टू ही है. इससे पहले हमने दिखाया था आर थ्री का डुअल भी आर थ्री ही है ना, दिखाया था ना. उसी तरीके से मैं प्रूव कर सकता था आर एन का डुअल आर एन ही है. इनफैक्ट मैं उससे इजीली वही मेथड यूज करके मैं प्रूव कर सकता था सी एन का डुअल. व्हाई डोंट आई शो दैट आर एन, अगर मैं मतलब यही करना है लेकिन अब फाइनाइट है, ज्यादा इजी है. अगर मैं उस पे लेता हूं फर्स्ट नॉर्म, उसका जो डुअल है इट इज द सेम थिंग एज आर एन विद इनफिनिटी नॉर्म, यानी वही एल वन लेकिन फाइनाइट स्केलर, यानी इसी को हमने फाइनाइट केस में ले सकते हैं. इसी तरह से हम कर सकते हैं, ये भी तुम कर सकते हो घर पे एक्सरसाइज, उससे तुम्हें मतलब ये इजी है, बहुत ही इजी, क्योंकि तुम्हें उसी को कॉपी करना है लेकिन कन्वर्जेंस के बारे में सोचना ही नहीं.
क्योंकि वहां प्रॉब्लम तो कन्वर्जेंस की हो रही थी ना, जो मेन काम था वो हमें कन्वर्जेंस का, यहाँ तो है ही नहीं बिकॉज इट्स फाइनाइट सम। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं उसमें ये तो है कि ऑलमोस्ट सेम है ना, और साथ में L2, तो L2 और फाइनाइट में कुछ आपस में कनेक्शन है। तो इनफैक्ट हम कहते हैं जो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं उसके बाद जो सबसे सिंपल वाली स्पेस है वो है L2, इससे हम बहुत बार मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी में तो, क्योंकि इसका डुअल एक खुद है, इसका डुअल एक खुद नहीं है, लेकिन फाइनाइट डायमेंशनल में भी वो खुद का ही डुअल होता है, ऑफ कोर्स विद अ डिफरेंट नॉर्म। ओके, तो ये तो हो गए डुअल्स। नाउ अभी हमने ये नहीं किया, जैसे एल इंफिनिटी का डुअल हम नहीं करेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो फंक्शन एनालिसिस सेकंड में हम करेंगे, बट वी कैन डू, वी कैन शो दैट, शायद ये, हाँ, वी कैन शो दैट सी जीरो का जो डुअल है वो एल वन है। सो बट ये मैं तुम्हें होम असाइनमेंट दूंगा, तुम्हारे नोट्स में है। इनफैक्ट इसी मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं C00 का डुअल भी L1 ही है, जो इसमें चलेगा वही इसमें भी चलेगा ऑलमोस्ट। तो C0 का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ऑल सीक्वेंसेस सच दैट, ऑफ कोर्स XIR स्केलर सीक्वेंसेस सच दैट लिमिट I approaches infinity XI is equal to zero, मतलब which converges to zero, और C00 का मतलब होता है all sequences such that XI belongs to K, such that what you have XN is zero for some I greater than equal to N, मतलब there exists some I, चलो सच दैट देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट सम आई बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट एक्स एन इज इक्वल टू जीरो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। ये वो वाली सीक्वेंस है जो स्टेज के बाद जीरो हो जाती है, इसी में वही शॉर्टर बेसिस, ऑर्डर बेसिस जो हमने किया वही करना है। तो लेकिन ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है। ओके, सो ये तो हो गया डुअल्स का हमारा काम। इससे रिगार्डिंग तुम्हें कुछ पूछना हो तो जल्दी से बता दो मुझे। जल्दी से, हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं चाहता हूं ये, अभी हमारे पास कितना टाइम है, 5-6 मिनट है, 8 मिनट है, तो मैं चाहता हूँ अगर किसी रिगार्डिंग तुम्हें कोई डाउट हो तो वो मुझे बता दो। और मुझे लगता है कि पता नहीं मुझे अब इसमें क्या बचा, फर्स्ट यूनिट में क्या क्या बचा, आई डोंट रिमेम्बर, जिससे सिलेबस देखना पड़ेगा। लेकिन हम एक और रिजल्ट कर सकते हैं, चलो एक छोटा सा थ्योरम है जो हम कर सकते हैं। मैंने कहा था तुम्हें, हमने किया था बी एक्स वाई जो स्पेस है ना, इज कम्प्लीट इफ वाई इज कम्प्लीट, और मैंने कहा था इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इफ y इज कम्प्लीट बी एक्स वाई इज कम्प्लीट। लेकिन मैंने कहा था ये हम आगे करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो हमने पढ़ा था उससे हमें मतलब प्रूव नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमें है हमारे पास कुछ। लेट x करेंगे, अभी 7 मिनट है, तो फिर तुम मुझे कुछ पूछो फिर क्वेश्चंस ना, जो तुम्हें कहीं समझ नहीं आया। या तो इसको मैं चलो लिख देता हूँ। अच्छा, इसके रिगार्डिंग तुम्हें कहीं कुछ डिफिकल्टी सच में नहीं आती, इतना इजी है ये, जहां तुम मुझसे पूछना चाहोगे कुछ। अच्छा ठीक है, फिर लेट अस एंड इट टुडे, ठीक है ना। तो वरना मैं, मुझे पता नहीं ना बचा क्या, मुझे थोड़ा सिलेबस देखना पड़ेगा। What is left of the first unit? हाँ, एक और रिजल्ट है जो मुझे याद आ गया, चलो वो कल ही करेंगे, तुम तो ये भी नहीं मान रहे हो। मुझे लगता है 2-3 रिजल्ट हैं, उसके बाद शायद पहला यूनिट हमारा हो जाएगा। अच्छा, तुमने वो देखा, किसी ने देखा वो हान मनाक थ्योरम का प्रूफ, जो ना मैंने अलग वो लेक्चर लिंक दी थी,
जो हमने नहीं किए थे जूम में, हमने सिंपली उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया था और फिर बाकी चीजें जो उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैंने एक लेक्चर मुझे लगता है वो जो लेक्चर्स हैं उसमें वो काफी मतलब क्लियर है, मैंने खुद उनको देखा है, मुझे वो अच्छे लगे। हालांकि मुझे अपने लेक्चर कुछ अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो हान बना खेरा वाले ठीक हो गए थे उस टाइम, वो बिना जूम के थे ना, वो मैंने ऐसे ही फोन से रिकॉर्ड किया था, तो वो ठीक ठाक हो गए थे उस टाइम ना, उसमें ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा मैं कुछ तभी ऐड कर सकता हूँ जब कोई उसमें कुछ पूछे, अगर तुम्हें कोई भी उसमें मतलब जगह तुम्हें लगा हो कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो फिर से देख लो, मुझे कल बता दो, कोई इश्यू नहीं, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। सो ओके, लेट मी एंड इट राइट नाउ, ठीक है? तो ओके सर, कल देखते हैं क्या होगा। ओके, आज कितने आए थे?